बिना क्रिया के, बिना संग्रह के आपका जीवन स्वस्थ, सुखी, सम्मानित होने में बहुत बहुत मदद करेगा ये प्रयोग। आज से पक्का कर लो, केवल 5 से 7 मिनट बहुत हो गए, फिर आगे बढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन आरंभ में 5 मिनट भी अच्छा काम करे। ज्यादा करो तो ज्यादा लाभ। ये आप सभी लोग कर सकते हैं, बड़ा सरल साधन है और बड़ा सामर्थ्यदायी साधन। इसके बिना नहीं रह सकता हूं, चाय के बिना नहीं रह सकता हूं, दारू के बिना नहीं रह सकता हूं, पान मसाले के बिना नहीं रह सकता हूं। ये सारी कमजोरियां खाली 5 मिनट गुरु मंत्र जपो और यहां नासाग्र दृष्टि रखो, अथवा तो एक टक भगवान के सामने देखते देखते फिर यहां आंखें बंद करके भी यहां नासाग्र दृष्टि, आंख पर दबाव न पड़े। नाक के छेड़े को नासाग्र नहीं कहते, नाक के मूल को नासाग्र दृष्टि कहते। दोनों नेत्रों के मध्य में जहां तिलक किया है, सिंदूर का, कंकु का, आप सुबह बैठे चुप होकर, दबाव न पड़े, यहां देखें। बाहर से तो यहां नहीं देखेगा, लेकिन यहां देखने के भाव से आपकी दृष्टि, आपकी सुरता यहां आएगी। नींद में से उठकर 5 मिनट इधर देखें, अगर मन इधर उधर जाए तो ओम शांति, ओम आरोग्य, ओम श्री परमात्मने नमः, जो ये आप सभी लोग कर सकते हैं, बड़ा सरल साधन है और बड़ा सामर्थ्यदायी साधन है। और सुबह नींद में से उठोगे तो गुरु मंत्र सहित ये जब साधन शुरू हो जाएगा तो आपको दिन भर बिना संग रखे, बिना हेराफेरी के, बिना कपट और बेईमानी के, बिना गुलामी, शिकायत अथवा शोषण के आपको आनंद आनंद रहेगा, जैसे बापूजी को रहता है, नहीं रहता है क्या? और आपकी क्रिया शक्ति में सत्वगुण रहेगा। अगर तमोगुण आता है तो बड़ा अनर्थ पैदा करता है, और सत्वगुण पर आता है तो सार्थक जीवन हो जाता है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंददायिनी शक्ति का विकास होता है उन साधकों का जो इसको साधना के रूप में मानते हैं। ये 5 मिनट कर लेने के बाद अपने शारीरिक क्लेशों के बारे में, तबीयत कैसा है, वैसा है, क्या इसका उपाय है, क्या खाने से ऐसा हुआ, क्या करने से ठीक होगा, थोड़ा सोच लिया। कुटुंब क्लेशों के बारे में, आर्थिक क्लेशों के बारे में जरा सिंहावलोकन कर लिया, और इनकी निवृत्ति के बारे में तनिक सोच लिया, और फिर यहां चले गए शांत, गुरु मंत्र जपा, फिर छोड़ दिया भगवान पे, गुरु पे। अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी, ये कर्तव्य, ये भोक्तव्य, ये त्यक्तव्य है, ये करो, ये भोगो, ये ना करो, ये त्यागो, उसके अनुसार बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाओगे। बिना क्रिया के, बिना संग्रह के आपका जीवन स्वस्थ, सुखी, सम्मानित होने में बहुत बहुत मदद करेगा ये प्रयोग। आज से पक्का कर लो, सुबह नींद में से उठकर भ्रूमध्य दृष्टि, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है,
वही ज्ञान और आनंद मेरे गुरुदेव जिसमें रमण करते हैं मैं उनका वो मेरे ओम 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 आनंद ओम शांति फिर चुप ओम शांति ओम गुरु ओम आनंद फिर चुप। केवल 5 से 7 मिनट बहुत हो गए, फिर आगे बढ़ाओ तो ठीक है लेकिन आरंभ में 5 मिनट भी अच्छा काम करें, ज्यादा करो तो ज्यादा लाभ। ओम आनंद ओम शांति ओम गुरु ओम माधुर्य। फिर बीच में अपना गुरु मंत्र जिसको जो मिला हुआ है, फिर बीच में चुप्पी 10-15-20 सेकंड जब 10-15-20 सेकंड चुप्पी 10-15 सेकंड भावना। फिर मन इधर उधर जाएगा तो हरि ओम, ओमकार को यहीं देखो नासाग्र भ्रूमध्य कहो नासाग्र कहो। जहां पहुंचना है उसकी भावना अभी से करें, जल्दी पहुंच जाएंगे। सब वासुदेव है, सब भगवतमय। ओम आनंद ओम शांति। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ चीज है कि सर्वत्र वासुदेव देखने जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। भगवान के दरबार में भगवान की नजरिया में जो दुर्लभ है वो उपासना तुम कर रहे हो। जोर न पड़े ध्यान करने वाला न रहे, ध्यान में बहने लग जाए मन, अपने तरफ से कोशिश नहीं करना, खाली भ्रू मध्य में मन से देखना है, दबाव नहीं डालना है। हमारे अंतर आत्म स्वभाव में है ओम आनंद। बाहर से कुछ आएगा नहीं, हमारा अपना परमेश्वरीय स्वभाव जागृत हो रहा है। आनंद ओम शांति ओम माधुर्य ओम गुरु ओम प्रभु मध्य में भावना से देखते जाओ। ओम आनंद ओम शांति ओम माधुर्य ओम गुरु ओम प्रभु।
रोम रोम में आनंद शांति माधुरी, भगवत रस भगवत ज्ञान भगवत प्रसाद का विकास, जिससे सारे दुखों का अंत होता है, उस प्रसाद का विकास। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोयासु। अभी प्रसन्नता उभरेगी, थोड़ी देर के बाद कराएंगे वो प्रयोग, आनंद माधुर्य। मीरा कभी हंसती कभी नाचती है, कभी गुनगुनाती कभी डोलती। गौरांग कभी हंसते हैं कभी रोते हैं कभी नाचते हैं। नानक जी भी कभी गाते कभी चुप रहते। रामकृष्ण देव भी कभी कभी लोग बोलते पागल तो नहीं हो गए, इस प्रकार हंसते नाचते डोलते। नरेंद्र को जब ऐसा हुआ कृपा गुरु की, तो नरेंद्र के जीवन में भी शरीर में क्रियाएं होने लगी, शरीर डोलने लगा, हंसी नाच अथवा डोलना क्रियाएं। तो दूसरे शिष्य घबराए कि उनको कुछ हो गया, बोले कुछ नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो गया। फिर नरेंद्र में से विवेकानंद प्रकटे, हमको भी होता था। अंदर कुछ भी होने लग जाए तो आश्चर्य नहीं करना, होने दो। फिर मन इधर उधर जाए, वहीं दो भ्रुकुटियों के मध्य में आनंद शांति। हरिओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आनंद माधुर्य, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 रग रग हरि नाम से पावन हो रही, रक्त का कण कण भगवान नाम से पावन हो रहा है। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल होए सब काम। हरि ओम 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 आनंद देवा, हरि ओम 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 माधुर्य देवा, हरि ओम 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 गुरु देवा, हरि ओम 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 प्यारे देवा, हरि ओम 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 मेरे देव अंतर्यामी रब। रग रग को थन गणित होने दो, रक्त के कण कण को हरि नाम से पावन हो जाने दो। आनंद उभरने दो, माधुर्य छलकने दो, बिना संग्रह के बिना भोग के बिना आयास के अनायास बुद्धि का विकास, आनंद का विकास, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास, बिल्कुल पक्की बात। हरि
ओम 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 आनंद देवा, हरि ओम 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 माधुर्य देवा, हरि ओम 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 प्रीति देवा, हरि ओम 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 गुरु देवा, हरि ओम ओम मायूसी गायब, चिंता भय शोक रवाना, मंगल वेला है, आनंद वेला है, सुखद वेला है, सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रीति की वेला है, ध्यान की वेला है, अमृत वेला है। चार अमृत वेलाएं होते हैं, एक तो सुबह 4 से 6:15 तक अमृत वेला, दूसरी ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन हो उस समय अमृत वेला, तीसरी ब्रह्म परमात्मा का ध्यान में डूबे वो अमृत वेला, और चौथी अमृत वेला ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग मिलता। दर्शन अमृत वेला, सत्संग अमृत वेला, ब्रह्म का ध्यान अमृत वेला और प्रभात की अमृत वेला, चार अमृत वेला होती। अभी तीन तो मिल रही है, एक साथ तीन अमृत वेला, भगवान का ध्यान भी हो रहा है, सत्संग भी मिल रहा है, संतों के दर्शन प्रश्न हो रहे हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो अप्सराएं मिलती और विकार पैदा होते, सत्संग का अमृत पीने से तो भगवत शांति मिलती और विकार कम होते, स्वर्ग का अमृत पीने से भविष्य में नीचे गिरना पड़ता है, लेकिन सत्संग का अमृत पीने से भविष्य भगवतमय हो जाता है। ऐसी जगह पर एक एक कदम चलकर आते हैं तो एक एक यज्ञ का फल होता है, बैठते तो भक्ति योग का मीटर चलता रहता है, सुनते तो ज्ञान योग का प्रकाश, और सामूहिक जप करते तो तुमुल ध्वनि के वाइब्रेशन वातावरण को भगवतमय बना देते। पापी से पापी आदमी भी आ जाए गलती से तो उसके पाप नष्ट होते और उसमें भी भक्ति और सद्गुण का संचार होने में सुविधा होती। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ऐसे वातावरण में एक आधी घड़ी भी कोई आ जाए तो उसके पाप ताप के संस्कार मिटने लगते। अभी तो आत्मदेव के दर्शन के लिए भ्रूमध्य में फिर से मन को आनंद शांति माधुर्य। इधर उधर की बातें सुनो नहीं, ज्यादा करो नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, प्रभु आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, माधुर्य रूप है, सुख स्वरूप है, और मेरे अपने ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय।